अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राजा कामरान। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि हम आपके लिए अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे इवेंट लेकर आते हैं, लेकिन आज का जो मसला है वो ज़रा डिफरेंट है और वो हट कर है। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं नेशनल प्रेस क्लब के बाहर, और यहाँ पे जो है वो फ़िलिस्तीन की आवाम के साथ जो है इजहार यकजहती के लिए यहाँ पर एक प्रोटेस्ट जो है वो कॉल किया गया था, एक एहतजाजी रैली को जो है वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया गया है। ये एहतजाजी रैली जो है उन तमाम फ़िलिस्तीनी बहनों और भाइयों से इजहार यकजहती के लिए जो है की रखी गई है, और इस पे यहाँ पे मौजूद जो है वो सेनेटर फैसल जावेद भी आज इस एहतजाजी रैली में मौजूद होंगे। उनसे भी हम पूछेंगे वो क्या कहना चाहते हैं, और स्पेशली यहाँ पे जो मौजूद शुरका हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, की वॉचिंग सिटी वाज विद। इस तरह से जो है प्रेस क्लब के बाहर जो है ये एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? जी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आज जिस अंदाज में खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग, पूरी कौम बाहर निकली और फलस्तीन के साथ यकजहती का मुजाहरा कर रहे हैं, देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुसलमान ममालिक को सबको यकजा होना पड़ेगा, और पाकिस्तान ने अपना बड़ा ज़बरदस्त मौक़िफ़ जो है अक़वामे मुत्तहिदा में पेश किया है, और हम इमरान खान साहब जो हैं वो मुसलमान दुनिया को इकट्ठा कर रहे हैं और बड़ा क्लीदी किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत क्लियर है, ये कैंपेन जारी रहेगी जब तक फ़िलिस्तीनियों को उनके हकूक नहीं मिल जाते। बहुत शुक्रिया। देखिए आज पूरी पाकिस्तानी 22 करोड़ कौम एक यकजहती के साथ बगैर पार्टी तफरीक के इस बात के ऊपर मुतफिक हैं कि फ़िलिस्तीनियों को उनको हकूक मिलना चाहिए और इसराइल के जाबराना हाथ को रोकना होगा। और ये एहतजाज जो है ये OIC के लिए भी, मैं ये समझता हूँ कि OIC भी सिर मजम्मत के लिए बैठी है और अक़वामे मुत्तहिदा भी सिर मजम्मत के लिए बैठी है। इनको आगे बढ़ना होगा, अपना रोल अदा करना होगा, और मुस्लिम उम्मा के ऊपर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। हम ये समझते हैं कि वो ज़्यादा प्रोएक्टिव रोल अदा करें, OIC के फोरम से रोल अदा करें। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, आपने देखा कि जो अमन कोशिश शुरू की उसके समरात आने शुरू हो गए। हमारे वज़ीर ख़ारजा पहले तुर्की गए, फिर अक़वामे मुत्तहिदा के फोरम पे बात की, और फिर अभी अमेरिका में मौजूद हैं। तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की जो कोशिश है, पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल कमिटमेंट है, पाकिस्तान उससे उदा भरा हो रहा है। लेकिन OIC के फोरम के ऊपर बहुत सारे ममालिक बहुत कलीदी रोल अदा कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ना होगा, अक़वामे मुत्तहिदा को अपना रोल अदा करना होगा।